बात करेंगे आज के इवेंट को, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे इन इस इवेंट के हवाले से क्या थी और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी मैम, इस इवेंट के हवाले से क्या आपने देखा, यहाँ के सोशल वर्क के हवाले से बात की थी एनजीओ से, उन्होंने शिरकत की, तो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगी कि ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम था सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसमें बताया गया कि इंसानियत सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, और अगर इंसानियत को एक्चुअली जिंदा करने की बात होती है यहाँ पे, और हमें चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इसमें रोल अपना प्ले कर सकें और अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकें। तो हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यही काम कर रहे हैं इस वक्त, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं इसके हवाले से। और मैम जैसा कि आपको प्रोजेक्ट है ई एजुकेटर्स, आपने मुझे बताया इसके बारे में, तो हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या काम कर रहे हैं? जी जी, ई एजुकेटर्स जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम है, तो इसके अंदर हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए लोकल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स को कनेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, और इसके अंदर हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है, सब डेवलपमेंट है, आईटी के कोर्सेज हैं डिफरेंट, और एचआर के कोर्सेज हैं, और इसके अलावा हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है थैलेसीमिया के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसमें काम कर रहे हैं जिसमें हम अवेयरनेस देते हैं बच्चों को कि वो अपने टेस्ट करवाएँ शादी से पहले, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं की जाती हमारी सोसाइटी में, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और हम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कई जिंदगियां बच सकती हैं। जी बिल्कुल मैम, सुंदर फाउंडेशन के बारे में लोगों को क्या पे काम करें? सुंदर फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, कई सालों से मैं इसका नाम सुन रही हूँ, और फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है लोगों से मिलने का, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जरूर काम करूँ आगे भी, और मैंने सुंदर फाउंडेशन को ऑफर भी किया कि उनकी तरफ से जितने भी लोग आएंगे हमारे पास तो हमारे पास भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और हम उनको भी फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे भी सुंदर फाउंडेशन, और हम जो भी कर सकेंगे आपके लिए। जी मैम, जैसे आप जानती हूँ, मैं भी आप जानती हूँ, सुपर नेट के एक और प्रोजेक्ट है एसएलडीबी के नाम से, जिसका मकसद अवेयरनेस फैलाना है कि इस बीमारी को किस तरह से हमारे देश में खत्म किया जा सकता है, तो इस काम के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा मानना है अवेयरनेस का ही सबसे ज़्यादा मसला है हमारी सोसाइटी में, और अवेयरनेस के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, और आप लोगों का भी जो ये प्रोजेक्ट है बहुत ज़बरदस्त है, और अगर हमारी इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए सुंदर फाउंडेशन को, तो ई एजुकेटर्स है।